अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट स्टूडेंट अलजबरा टू हमारा कोर्स आउटलाइन चल रहा है, तो उसका हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने डिस्कस किया वेक्टर स्पेस को, तो वेक्टर स्पेस के 20 लेक्चर डिलीवर हुए हैं। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फर्दर जो है तो ये भी उसी का ही टॉपिक, तो इसकी हमने प्लेलिस्ट सेपरेट बनाई हुई है। तो इसका लेक्चर नंबर 17 है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हमारे टॉपिक चल रहे हैं, लेक्चर नंबर 17। देखें आज जो है हमारे पास डेफिनेशन है डायरेक्ट सम। डायरेक्ट सम क्या होता है? किसी भी वेक्टर स्पेस का डायरेक्ट सम क्या होता है? सपोज़ कर लेते हैं कि लेट सपोज़ कि वी एक वेक्टर स्पेस है। वी जो है एक वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड, वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। एंड सपोज दैट यू एंड डब्ल्यू जो हैं सब स्पेसेस हैं, सब स्पेसेस ऑफ वी, ठीक है। देन वी इज कॉल्ड डायरेक्ट सम ऑफ वेक्टर स्पेसेस सब स्पेसेस यू एंड डब्ल्यू। वी जो होगा इनका डायरेक्ट सम कहलाएगा, एंड डिनोट हम ऐसे करेंगे। देखें वी इज़ अ डायरेक्ट सम ऑफ वेक्टर स्पेसेस सब स्पेसेस ये U एंड W, ये डायरेक्ट सम को डिनोट कब होगा डायरेक्ट सम? इफ टू कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो। फर्स्ट हमारे पास ये है कि V इज इक्वल टू U प्लस W, मीन के U प्लस W का जो सम है वो V के इक्वल होना चाहिए। U इंटरसेक्शन W, इनका जो इंटरसेक्शन है वो नल एलिमेंट पर मुश्तमिल होना चाहिए। ओनली इनमें जो कॉमन एलिमेंट हो वो एडिटिव आइडेंटिटी कॉमन होना चाहिए। ये टू कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहते हैं यू एंड डब्ल्यू सब स्पेसेस जो हैं वी की वो डायरेक्ट सम बना रही हैं वी वेक्टर स्पेस का, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका कंसेप्ट है। इसको आप ऐसे देखें, ये जो आपके पास यू प्लस डब्ल्यू है इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? यू प्लस डब्ल्यू की फॉर्म के इसमें एलिमेंट होंगे। ये जो यू है ये बिलोंग करेगा यू से, W जो है ये बिलोंग करेगा W से, ठीक हो गया। तो लेट सपोज कि हमारे पास U है, इसमें हमारे पास एलिमेंट है U1, U2 अप टू सोन, चले U10 तक एलिमेंट है। सिमिलरली W जो है हमारे पास सब स्पेस, उसमें ये एलिमेंट है W1, W2 अप टू सोन W10। V एक हमारे पास वेक्टर स्पेस है, ये दोनों जो हैं इसकी सब स्पेसेस हैं V1, V2 अप टू सोन V20 जो है, V10 जो है इसमें एलिमेंट है। चलें अब देखें V1 जो होगा वो U1 प्लस W1 के सपोज दैट इक्वल हो, V2 जो है वो इक्वल हो U2 प्लस W2 अप टू सोन, ठीक है। देन ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी, एंड इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इनमें ओनली नल वेक्टर जो है एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो कॉमन होना चाहिए। तो अगर ये टू कंडीशंस सब स्पेसेस सेटिस्फाई कर रही हैं तो हम कहेंगे ये जो सब स्पेसेस हैं उस वेक्टर स्पेस का डायरेक्ट सम बना रही हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है डायरेक्ट सम की। देखें प्रॉपरली देख लेते हैं, ए वेक्टर स्पेस वी ओवर अ फील्ड एफ इज सेट टू बी इंटरनल कह लें या डायरेक्ट सम कह लें ऑफ इट्स टू सब स्पेसेस यू एंड डब्ल्यू डिनोटेड बाई, डिनोट हम करेंगे देखें वी इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू डायरेक्ट, ये जो है ये हम यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट सम के लिए। इफ़ वी इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू एंड यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी, तो ये टू कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं देन वी जो है यू एंड डब्ल्यू का डायरेक्ट सम है। नेक्स्ट हमारे पास एक लेमा है, शॉर्ट स्मॉल थ्योरम, लाइक का स्मॉल थ्योरम होता है हमारे पास ये, तो लेमा है। देखें इसमें हमने क्या शो करना है कि वी इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, मीन के यू वी जो है वो डायरेक्ट सम है यू एंड डब्ल्यू का इफ़ एंड ओनली इफ, कब होगा ईच अल्फा, अगर ईच अल्फा लेते हैं आप वी से हैज़ द यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस गैमा वेयर बीटा बिलोंग टू यू एंड गैमा बिलोंग टू डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना है कि अगर डायरेक्ट सम है यू एंड डब्ल्यू जो है वी का डायरेक्ट सम है,
तो इनमें से अगर आप एलिमेंट्स लेंगे तो जैसे बीटा हम लेते हैं यू से एंड गामा लेते हैं डब्ल्यू से, तो अल्फा अगर वी से लेंगे तो ये ओनली यूनिक वे से हम एक्सप्रेस कर सकेंगे, यूनिक वे से एक्सप्रेस कर सकेंगे। मीन के और कोई इस तरह के एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे यू एंड डब्ल्यू में कि उनका सम जो है वो अल्फ़ा के इक्वल हो, ये हमने शो करना है। ठीक है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ है, इसे दोनों वे से प्रूव करेंगे कि अगर डायरेक्ट सम है तो यूनिकनेस शो करेंगे, रिप्रेजेंटेशन जो है वो यूनिकनेस ये फॉर्म शो करेंगे, एंड अगर यूनिकनेस है तो हम शो करेंगे कि डायरेक्ट सम होगा। चलें देखते हैं इसको, फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। सपोज दैट वी इज़ डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसिस यू एंड डब्ल्यू। सपोज करते हैं कि वी जो है यू एंड डब्ल्यू का डायरेक्ट सम है। देखें डायरेक्ट सम है, डिनोट ऐसे करेंगे, एंड क्या होगा कि ये गिवन में है, ऐसे समझे ये गिवन में है कि वी किसके इक्वल होगा यू प्लस डब्ल्यू के। यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू किसके इक्वल है, वो इक्वल है नल, नल जो है एलिमेंट के, मीन के हमारे पास ज़ीरो एलिमेंट है ये। चलें प्रूफ क्या करेंगे कि यहाँ से अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं तो उसको यूनिक वे से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखते हैं इसको, टू प्रूफ देखें, टू प्रूफ क्या करेंगे कि ईच अल्फा बिलोंग टू वी हैज़ अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी। चलें हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, टू रिप्रेजेंटेशन है, कि अल्फ़ा को हम इस जो है इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। अल्फ़ा जो है बीटा प्लस गैमा की फॉर्म में भी है, एंड अल्फ़ा जो है बीटा प्राइम प्लस गैमा प्राइम की फॉर्म में भी है। चलें इन दोनों को कंबाइन करें अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या आ जाएगा, देखें दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, राइट साइड सेम हो जाएगी, तो बीटा वाले वन साइड पर कर लें, गैमा वाले अदर साइड पर कर लें, यह आ जाएगा। अब आप नोट करें ये जो बीटा है बीटा प्राइम है, बीटा बीटा प्राइम बिलोंग कर रहे हैं यू से, यू इज़ अ वेक्टर स्पेस, यू इज़ अ सब स्पेस। सिमिलरली गैमा एंड गैमा प्राइम बिलोंग कर रहे हैं डब्ल्यू से, एंड डब्ल्यू इज़ अ सब स्पेस। तो इनका जो डिफरेंस होगा, देखें बीटा बीटा प्राइम बिलोंग कर रहा है यू वेक्टर स्पेस से, तो इनका जो डिफरेंस होगा मस्ट भी बिलोंग टू यू से। इसी तरह ये किसे बिलोंग करेगा, डब्ल्यू से। देखें हम यही कह रहे हैं कि गैमा प्राइम माइनस गैमा ये बिलोंग करेगा डब्ल्यू से, एंड बीटा माइनस बीटा प्राइम बिलोंग करेगा यू से। रीज़न हमने क्या लिखी है, बिकॉज़ यू एंड डब्ल्यू बोथ आर सब स्पेसिस, क्योंकि दोनों सब स्पेसिस हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। चलें ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें अगर ये चीज़ इसके इक्वल भी है, अब ये अगर बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू से तो मस्ट है ये भी डब्ल्यू से बिलोंग कर रहा है, इसी तरह ये यू से बिलोंग कर रहा है, तो ये गैमा प्राइम माइनस गैमा ये भी मस्ट है यू से बिलोंग, तो दोनों के इंटरसेक्शन में ये दोनों आएंगे। ठीक है, तो ये बीटा माइनस गैमा जो होगा इन दोनों के इंटरसेक्शन में आएंगे। अब आप नोट करें कि हमें पता है कि यू इज़ डायरेक्ट सम ऑफ यू एंड डब्ल्यू, वी इज़ डायरेक्ट सम ऑफ यू एंड डब्ल्यू, तो अगर डायरेक्ट सम है तो इन जो सब स्पेस है इनका इंटरसेक्शन मस्ट भी किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो ज़ीरो के इक्वल है तो ये एलिमेंट बिलोंग इससे करता है, तो बट इसमें तो ओनली ज़ीरो एलिमेंट है, तो ये ज़ीरो के इक्वल हुआ, ठीक हो गया। तो इसको इधर शिफ्ट कर दें तो बीटा किसके इक्वल आ गया, बीटा प्राइम के इक्वल आ गया। सिमिलरली हम ये शो कर देंगे कि गैमा किसके इक्वल आ गया, गैमा प्राइम के। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो हमने सपोज किया था कि अल्फ़ा को टू वे से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओनली यूनिक वे से एक्सप्रेसिबल है, हैंस अल्फ़ा बिलोंग टू वी हैज़ यूनिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यही हमने इसमें शो करना था। चले कन्वर्सली ले लेते हैं, कन्वर्सली एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम ईच अल्फ़ा जो वी से बिलोंग करता हैज़ अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, ओनली एक वे से हम उसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट किया जा सकता है। टू प्रूव क्या करना है, वी जो है वो यू एंड डब्ल्यू का डायरेक्ट सम है। चलें ये हम शो करते हैं। तो आपको पता है कि टू कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी डायरेक्ट सम के लिए। डायरेक्ट सम की क्या तरीक़ेकार हो, डायरेक्ट सम की क्या डेफिनेशन होती है, क्या हम शो करेंगे, कब होगा ये डायरेक्ट सम। सिंस देखें ये तो गिवन है कि ईच अल्फ़ा जो है जो वी से बिलोंग कर रहा है उसको हम यूनिक वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो यूनिक वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वी इज़ इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा ना। बहुत सिंपल है कि अगर अभी हम जैसे देख रहे थे कि यू जो हमारे पास सब स्पेस है उसमें लेट सपोज एलिमेंट है यू वन यू टू अप टू सो ऑन यू टेन, चले ले लेते हैं। डब्ल्यू जो है हमारे पास वेक्टर स्पेस उसमें लेट सपोज डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू टेन एलिमेंट है, एंड वी जो वेक्टर स्पेस है
उसमें वी वन वी टू सपोज दैट वी टेन है। चलें अब देखें यूनिक वे से क्योंकि एक्सप्रेसिबल है तो लेट सपोज कि यू वन डब्ल्यू वन जो है वो वी वन के इक्वल है, यू टू डब्ल्यू टू जो है वो वी टू के इक्वल है, इसी तरह सिमिलरली यू यू टेन प्लस डब्ल्यू टेन जो है वो वी टेन के इक्वल है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि इन दोनों का जो सम है डायरेक्ट अगर हम लिखें कि दूसरे यानी कि यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल है, ठीक है सेम ये सिचुएशन है, डायरेक्ट हमने ये अप्लाई किया बिकॉज क्योंकि यूनिक वे से एक्सप्रेसिबल है तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। ठीक हो गया, तो ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है। शो ये करना है कि v जो है वो डायरेक्ट सम है, किसका डायरेक्ट सम है, u एंड w वेक्टर स्पेसिस का, सब स्पेसिस का डायरेक्ट सम है। तो डायरेक्ट सम के लिए टू रिक्वायरमेंट होती हैं, फर्स्ट तो ये है कि v इक्वल होना चाहिए u प्लस w के, सेकंड कि u इंटरसेक्शन w जो है नल एलिमेंट पर मुश्तमिल होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट तो सेटिस्फाई होगी है। चले सेकंड हम लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा जो है वो बिलोंग करता है u इंटरसेक्शन w से, ठीक है ये इससे बिलोंग कर रहा है, देन अल्फ़ा को आप इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब अल्फ़ा को हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, अल्फ़ा को इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं कि इससे क्या शो हुआ, वुड बी टू डिस्टिंक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा को हमने टू वे से रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर अल्फ़ा को हमने टू वे से रिप्रेजेंट किया है तो इसका क्या मतलब हुआ कि विच इज़ कंट्राडिक्शन, बिकॉज हमने तो कहा है कि हर अल्फ़ा को यूनिक वे से एक्सप्रेस किया जा सकता है, टू वे से तो हम एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, तो विच इज़ कंट्राडिक्शन, तो ये कंट्राडिक्शन आ गया क्योंकि गिवन में है कि यूनिक वे से एक्सप्रेसिबल है, तो ये तो टू वे से एक्सप्रेसिबल हुआ है, अगर टू वे से एक्सप्रेसिबल हुआ है तो हमारा जो सपोजिशन है ये चीज़ ऐसे राइट हम नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। अल्फ़ा हैज़ यूनिक रिप्रेजेंटेशन, द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर द यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा को ओनली एक ही वे से हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो है किसके इक्वल रख सकते हैं, हम इसे ओनली नल एलिमेंट के इक्वल रख सकते हैं और हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं रहती बाकी। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, अल्फ़ा इसे बिलोंग कर रहा था तो ओनली उसमें क्या हुआ फिर ये, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को अगर आप कंबाइन करें तो देखें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो v जो है वो डायरेक्ट सम है, u एंड w सब स्पेसिस का डायरेक्ट सम है, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। चलें ये टू सब स्पेसिस के लिए हमने प्रूव किया, इसको हम अगर जर्नलाइज कर दें, जर्नलाइज फॉर्म ऑफ डायरेक्ट सम, जर्नलाइज कैसे कर लें, मीन के टू सब स्पेसिस थी तो चलें सपोज दैट हमारे पास एन नंबर ऑफ सब स्पेसिस हैं, द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट सम कैन बी जर्नलाइज टू एनी फाइनाइट नंबर ऑफ सब स्पेसिस, सपोज दैट हमारे पास टू जो है ना एन नंबर ऑफ सब स्पेसिस हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ सब स्पेसिस ऑफ वी हैं, एंड वी जो है इनका डायरेक्ट सम है, तो कैसे डायरेक्ट सम होगा इफ़ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाई, कौन कौन सी, कि इन तमाम का सम किसके इक्वल होना चाहिए, वी के इक्वल, इंटरसेक्शन ऑफ ईच यू आई विद सब स्पेस जनरेटेड बाई द रिमेनिंग वी जे, इनके अगर टोटल हमारे पास हैं जैसे वन से लेकर एन तक हैं, अगर हम यू वन लेते हैं तो यू वन का रिमेनिंग के साथ, रिमेनिंग किसी के साथ भी, यू वन यू टू के साथ, यू थ्री के साथ या यू फोर के साथ, किसी के साथ भी इंटरसेक्शन जो है वो खाली होना चाहिए, ओनली नल होना चाहिए। तो ये टू कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि v जो है u1, u2 अप टू स्वान यू एन सब स्पेसिस का डायरेक्ट सम है, ये जर्नलाइज्ड फॉर्म है हमारे पास। ठीक हो गया, तो ये थ्योरम था।